पृथ्वी पर जीवन के शुरुआती दिनों में जीव एक क्यूब जैसे दिखते थे। खाना एक तरफ से अंदर जाता था और दूसरी तरफ से बाहर आता था। खाना मिलना तुक्के वाली बात थी, पर जब खाना मिलता ट्यूब कुछ और दिन खाना ढूंढने के लिए जिंदा रह जाती थी, और जो ट्यूब ज्यादा दिन जी जाती थी फिर वो खुद एक से दो हो जाती थी। जब जनसंख्या बढ़ी तो खाने के लिए कॉम्पिटिशन भी बढ़ा, और कुछ ट्यूब्स ने देखने की क्षमता विकसित कर ली कि तुक्के की बजाय खाना खुद से खोज सकें। फिर देखते ही देखते ट्यूब्स के पैर भी आ गए कि वो खाने की ओर जा सकें, और फिर हाथ भी ताकि खाना उठा के मुंह में डाल सकें। जब ट्यूब सिंपल थी तो उसके लिए एक से दो हो जाना भी सिंपल था। अब दो ट्यूब्स मिलके एक ट्यूब बनाने लगी। अब खाना इकट्ठा करना, पार्टनर ढूंढना, बच्चे पालना, इस सब पेचीदगी को मैनेज करने के लिए ट्यूब को दिमाग भी विकसित करना पड़ा। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी था। अब छोटी ट्यूब बड़ी से पूछने लगी कि हम खाते हैं जीने के लिए और हम जीते हैं खाने के लिए, आखिर इस चक्र का पॉइंट क्या है? जवाब तो इसका बड़ी ट्यूब के पास भी नहीं था, पर उन्होंने इतना कह दिया कि देखो ज्यादा दिमाग मत लड़ाओ, जो चलता आया है उसे चलाओ, खाओ कमाओ, एक से दो हो और फिर दो से चार हो जाओ। खाना कमाने, पार्टनर ढूंढने, बच्चे पालने में कुछ समय के लिए तो ट्यूब्स का ध्यान इस सवाल से हट जाता था, पर बड़े होते होते जिंदगी का एक खोखलापन फिर से उन्हें खाने दौड़ता। तो ट्यूब्स ने कहा कि अगर हम पैसे से और रिश्तों से इस खोखलेपन को नहीं भर सकते तो हम खा खा के इसको भर देंगे, पर चाहे खाना हो या मौज करना, अंततः हम उससे बोर हो जाते हैं, तो ये भी तरकीब काम कुछ करती नहीं। जो मुझे इसका तोड़ समझ में आया वो ये कि भाई पैदा हुए हैं तो जीना पड़ेगा, जी रहे हैं तो खाना पड़ेगा, पर अगर हम दूसरों को खिलाने के लिए नहीं तो कम से कम खिलाते हुए जिएं, तो उनका एक दिन कट जाएगा और हमारी जिंदगी।